नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन पहले मैं एक बार पढ़ देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में क्या कहता है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रेफर्स टू द प्रोसेस यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल सब्सिक्वेंटली इम्पोज्ड कंपोनेंट्स। आपको कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का काम है, वो काम ये करते हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन यूज परचेज जून 2006 10,000, यानी मशीनरी का कॉस्ट दे रखा है, मशीन का आपको कॉस्ट दे दिया इसने। और कॉस्ट आपका दो ही काम के लिए यूज होता है, या तो डेब्ट के लिए यूज होगा या फिर आपका इंश्योरेंस के लिए यूज होगा। ठीक है, या तो डेब्ट के लिए यूज होगा या तो इंश्योरेंस के लिए यूज होगा। आगे क्या कहता है, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर, और इसका लाइफ आपको गिवन है, लाइफ 10 साल है। और स्क्रैप कहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर एस्टिमेटेड स्क्रैप, स्क्रैप इसने कह दिया 1,000 है। तो इजिली हम डेप तो निकाल ही सकते हैं, डेप आएगा 10,000 मल्टीप्लाई माइनस डिवाइडेड बाय अमाउंट क्या आ गया, 900 रुपये। अमाउंट क्या आ गया आपका, 900 रुपये। जिसको क्लियर शो नहीं हो रहा वो एप्लीकेशन एक बार क्लोज करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा क्लियर। क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यहां तक कोई डाउट है क्या, 1,000 स्क्रैप वैल्यू तक पढ़ दिया। अब आगे देखना मेन पॉइंट क्या कहता है, एंड द एस्टिमेटेड वर्किंग आवर 50 वीक 44 आवर। कहता है कि आवर की बात करें और ये वर्किंग आवर की बात कर रहा है। कहता है कि जी 50 हफ्ते हैं और 44 काम होगा, तो इसका मतलब 2200 घंटे, समझ रहे हो क्या है 2200 घंटे। कहता है ऑफ विच मशीन मेंटेनेंस एंड एस्टीमेट, आपका मशीनरी का, और आगे आपको 2200 मल्टीप्लाई करके भी दे रखा है इन्होंने, विच मशीन मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा इट एस्टिमेटेड टेकअप टाइम 200 आवर। इसी मशीनरी को मेंटेन करने में, यानी खराब हो गया रिपेयर वगैरह करने में आपके 200 घंटे हैं। अब आप ध्यान रखना, आप बताओ जब मशीनरी रिपेयर होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है। आपने कई बार देखा होगा मशीनरी को रिपेयर करते पहले चालू करते हैं वो, और चलते हुए मशीनरी को वो रिपेयर करते हैं ताकि एक्चुअल पता चल पाए। तो पावर यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी है। प्रोडक्शन की बात करें तो मे बी पॉसिबल है, जो एग्जामिनर बोले। वैसे आपका जब रिपेयर होता है तो प्रोडक्शन उस टाइम पे नहीं होता, सेटअप पे हो जाता है प्रोडक्शन, लेकिन रिपेयर में नहीं होता। लेकिन एग्जामिनर अगर बोलता है कि ड्यूरिंग द रिपेयर मेंटेनेंस में आपका प्रोडक्शन हुआ है, तो आपको वही मानना पड़ेगा। ठीक है, कहता है नो अदर लॉसेस ऑफ वर्किंग टाइम, कहता है और कोई वर्किंग टाइम का नहीं हुआ, इज एक्सपेक्टेड सेटिंग अप टाइम एस्टिमेटेड 100 आवर। और सेटिंग अप टाइम में कितने 100 आवर्स हमारे चले जाते हैं, सेटिंग अप टाइम में कितने आवर चले गए 100। इट्स रिगार्ड प्रोडक्टिव टाइम, क्वेश्चन कहता है ये एक घंटे आपके सेटिंग अप टाइम में लग तो रहे हैं, लेकिन इसे प्रोडक्टिव आवर ही कंसीडर आपने करना है। बैंक हॉलीडे आर टू बी इग्नोर्ड, जो भी बैंक हॉलीडे है उसको इग्नोर करिए। अब ए पार्ट तो हमारा मोटा मोटा क्वेश्चन के बारे में, कितने घंटे काम चला है, कितने घंटे काम में मेंटेनेंस में गया है, कितने घंटे हमारा सेटिंग अप टाइम में है, क्या मशीनरी की कॉस्ट, ये सारी बातें बताइए। पॉइंट नंबर टू में, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 16 यूनिट पर आवर एट कॉस्ट 9 पैसा पर यूनिट। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम। तो अब थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा, सर आप कह रहे हो कि सेटिंग अप टाइम में प्रोडक्शन हो रहा है
और आप बोल रहे हो कि सेटिंग एंड टाइम में आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। वहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि क्वेश्चन में ये लॉजिकली गलत है। वैसे देखा जाए तो लॉजिकली क्या है, ये गलत बात कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसने कहा जब आपका सेटिंग अप टाइम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगा। तो भाई जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करोगे? लेकिन एग्जामिनर कह रहा है आपको इसमें प्रोडक्शन है, तो आप मानो प्रोडक्शन है। वहाँ पे इफ बट नहीं लगा सकते आप, सिंपल सी बात है। समझे बात आप? आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालने के लिए आपको, मैं अगर बात करूं प्रोडक्शन आवर की, प्रोडक्शन आवर जी हमारा 2200 घंटे काम हुआ था जिसमें से 200 घंटे मेंटेनेंस में गया, तो वी अज्यूम दैट देयर इज नो प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन आवर है। सर सेटिंग अप टाइम में भी तो गया, वो प्रोडक्टिव आवर था, इसको माइनस नहीं किया जा सकता। ये कौन सा टाइमिंग है? मेंटेन टाइम, ठीक है। और सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होगा आपका, आप अगर ये ऐसे बोल रहे हो तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2200 घंटे थे और दोनों सेटिंग अप टाइम में भी और मेंटेनेंस टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुआ, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे 300 माइनस करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें 1900 घंटे चाहिए। बताइए कोई डाउट? समझ में आए यहाँ तक बात? यानी प्रोडक्टिव आवर के लिए आपको तो 2000, यानी जो भी खर्चे आएंगे सबको 2000 से डिवाइड करो, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का नंबर आ जाए ना तो वहाँ पे 1900 घंटे से काम चलेगा हमारा। समझे बात? 9 पैसे कहता है, हम 16 यूनिट पर आवर 9 पैसे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पावर को। कहता है एक घंटे में कितना लगेगा हमारा, 16 यूनिट, और कितने रुपए के हिसाब से, 9 पैसे, ये 9 पैसे हो गए। कितने घंटे काम चलेंगे बताओ? तो जवाब है सर, घंटे अगर काम चलने की बात करते हो तो 1900 घंटे काम चलेंगे इसमें पावर के लिए सिर्फ, है ना। तो हम आगे देखेंगे इसको। आगे कहता है द मशीन रिक्वायर्ड केमिकल सॉल्यूशन विच द रिप्लेस द एंड ऑफ द ईच वीक एट द कॉस्ट 20 ईच टाइम। कहता है हमें केमिकल चाहिए, मान लो ग्रीस ऑयल चाहिए होगा, और हर हफ्ते मुझे बदलना है इसका, तो केमिकल का खर्चा क्या आएगा? केमिकल का खर्चा क्या आएगा? केमिकल सॉल्यूशन रिपेयर में डाल देते हैं इसको, इसको डाल देते हैं रिपेयर में। और कितने कहता है, 20 रुपए एक हफ्ते का, और टोटल वीक की बात करें तो कितने, ठीक है कोई दिक्कत। कहता है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर, मतलब मेंटेनेंस करने का खर्चा, जैसे ये वाला आपका रिपेयर है वो भी रिपेयर में चला जाएगा, मेंटेनेंस खर्चा करने का खर्चा पूरे साल का कितना है, 1200 रुपये। तो मेंटेनेंस करने का खर्चे की मैं बात करूं तो 1200 रुपये है, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो 1200 रुपये पूरे साल का। अब और हम सारी बातों को पूरे साल में ही कन्वर्ट करके चलेंगे। टू अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विद द अदर 5 एडिटिकल मशीन। अब सैलरी बताओ क्या होगा, सैलरी बताइए, कौन बताएगा सैलरी? कहता है टू अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विद 5 मशीन द कंबाइंड वीकली वेजेस इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हॉलीडेज पे 120। कितने रुपए पेमेंट हो रहा है, 120, और ये कितने महीने का है, वीकली, किससे मल्टीप्लाई करें, कितने मशीनरी का हमें निकालना है, एक मशीन का ना, डिवाइड किससे करें, डिवाइड बताइए किससे करेंगे, 5 से, या करना ही नहीं है, चलिए बताइए, जो बच्चे लाइव में हैं वो भी बताएं कितने से डिवाइड करना चाहिए, कोई
क्वेश्चन क्या कहता है, मैं देखो एक बार फिर से रीड करता हूं। टू अटेंडेंट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विद फाइव अदर आइडेंटिकल मशीन देयर कंबाइंड वीकली वेजेस, दोनों का वेजेस है 120 रुपए वीकली। तो यहां पे दोनों का वेजेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मशीनरी जो चला रहे हैं ना, वो कितनी मशीनरी चला रहे हैं, 6 मशीनरी टुगेदर विद 5, यानी एक तो है ही आपके पास, उसके साथ 5 और, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करना होगा। देखिए समझ में आया पॉइंट, तो एक ये छोटे से पॉइंट से आपका पूरा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। आगे ध्यान देना है, डिटरमाइन द जनरल वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन फॉर द ईयर 2007 में दे रखा है 2000, तो ओवरहेड दे रखा है आपका, आप यहां लिख दो, यहां लिख दो, यहीं लिख देते हैं, कितने रुपए दे रखा है 2000, 6 मशीनरी है यहां पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट नेसेसरी प्रोवाइड, आपका जो भी यहां पे लगता है अजम्पशन देने के लायक है ऑपरेटिंग थ्रू द मशीन, वो आपको अजम्पशन यहां पे देना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है यहां तक, सारे खर्चे मैंने लिख लिए, तो खर्चे तो दो ही थे मेनली, तो 120 इंटू में 50 डिवाइडेड बाई 6 1000 टोटल 3000। प्रोडक्टिव आवर कितने हैं, तो किससे डिवाइड करना चाहिए, तो 3000 डिवाइडेड बाय 2000 1.5, समझे। अब इसका निकाल लेते हैं, मैंने कहा इसको पर आर लेके चलना है आपको तो बेटर रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इससे अगला क्वेश्चन है ना वहां पे आपको ये बिल्कुल क्लियरिटी हो गया, हमें पर आवर लेना चाहिए, कंफ्यूजन दूर होगी। पावर की बात करता है ये कि ये जो पावर हमारा यूज होगा ना वो होगा 1 घंटे का, क्योंकि कहता है 16 यूनिट 1 घंटे में खत्म होगा, 16 यूनिट कितने घंटे में खत्म होने वाला है, 1 घंटे में, और 1 घंटे का हमारा खर्चा कितना, और 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 9 पैसे, और हमारा देखा जाए तो मशीनरी कितने घंटे चलने वाला है, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के पर्पस से मशीनरी जो चलेगा वो चलेगा कितने घंटे, 1900, और हमारा सबको डिवाइड कितने में करना है, प्रोडक्टिव आवर से, ये तो हो गया 1900 घंटे का खर्चा, और हमें कितने घंटे का खर्चा चाहिए, 1 घंटे का, और प्रोडक्टिव आवर कितना है 2000, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किससे कर दिया। पहले देखो ये जो खर्चा आया आपके पास टोटल, ये खर्चा कितने आवर का है, 1900 घंटे का, और 1900 घंटे को छोड़कर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं पूरे साल का खर्चा है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये कितने टाइम का खर्चा है पूरे साल का, और एक साल में प्रोडक्टिव आवर क्या है आपके 2000, इसलिए मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया। अब यहां पे आ जाएगा हमारा एक, तो यहां पे देखा जाए आपका तो 16 इंटू में 0.09 इंटू में 1900 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये खर्चा आता है 1.368। रिपेयर का खर्चा कितने साल का है, ये पूरे साल का हमें चाहिए, तो डिवाइड किससे करें, तो 20 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ गया 0.5। सर ये कितने घंटे का खर्चा है, ये पूरे साल का है, और हमें डिवाइड किससे करना है, 2000 से, तो 1200 डिवाइडेड बाय 2000, तो 0.6, ये आ गया हमारा मशीन आवर रेट। कितने आएगा हमारा, थ्री पॉइंट नाइन सिक्स एट। चेक करिए, कुछ एक्सपेंस छूटा तो नहीं है, ये भी देख लेना एक बार, डेप्रिसिएशन छूट गया, अच्छा चलो डेप्रिसिएशन लिखते हैं। सर डेप्रिसिएशन निकाला कितना था हमने, 900 को डिवाइड किससे कर दें, 2000, चलो एक और पॉइंट, 4.5, इतना ज़्यादा, 900 डिवाइडेड बाय 2000 0.45 है, इसमें 3.968 प्लस
प्लस 0.45, 4.41 चेक करिए, 418 है। हाँ आप देखो इस वाले पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, इसके बाद वाले पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे 4.41 आ रहा है तो आपका आंसर जस्टिफाई होगा 4.42, समझ में आई बात आपको। आप ऐसा नहीं कि 4.5 कर दो, 4.7 आ रहा है तब आपके आंसर में कहीं ना कहीं एरर है फिर। ठीक है, बताइए कोई डाउट इसमें, फटाफट नोट करिए।